हार्दिक मारने गए छक्का लेकिन छूट गया उनके हाथ से बल्ला, बाल बाल बचा बांग्लादेशी खिलाड़ी। लेकिन उसके बाद क्या कुछ ऐसा हुआ कि वो मजेदार मोमेंट देखकर तो गौतम गंभीर से लेकर एम्पायर सूर्य यहां तक कि हर किसी की हंसी निकल गई थी। तो आखिर क्या था वो मजेदार मोमेंट जब हार्दिक की किस्मत ने उनका ऐसा साथ दिया जिसे देखकर तो हर कोई अपना पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो गया। वो तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मुकाबला ग्वालियर के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और बांग्लादेश की टीम अपने 10 विकेट खोकर भारत के सामने केवल 127 रनों का लक्ष्य रख सके, जिसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार हुई। अभिषेक और संजू ने मिलकर टीम इंडिया को आक्रामक अंदाज में शुरुआत दिलाई, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी टीम के लिए थोड़ा योगदान देकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी जबरदस्त तूफान देखने को मिला। भारतीय टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी थी, लेकिन सूर्य भी 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर मैदान पर नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या का ऐसा तूफान आया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। हर कोई इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर दंग हो चुका था। भारतीय टीम जीत के काफी करीब आ चुकी थी। हार्दिक पांड्या का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घातक अंदाज में गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे बांग्लादेश की तरफ से बार बार पर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज तस्कीन अहमद। वहीं हार्दिक पांड्या प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। तीसरी गेंद को उन्होंने सबसे पहले चौके में तब्दील किया, फिर उसके बाद अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या के साथ हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर तो हर किसी की हंसी निकल आई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हार्दिक के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। जी हां, जब तस्कीन अहमद ओवर की चौथी गेंद के लिए दौड़े और उस गेंद को फुल टॉस फेंका, तभी हार्दिक पांड्या उस गेंद को छक्के में तब्दील करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी किसी कोशिश में उनका हाथ स्लिप हो गया और उनका बल्ला उनके हाथ से छूटकर कोसों दूर चला गया। यहाँ तक कि वो बैट किसी खिलाड़ी को घायल करने से भी बाल बाल बचा था। ये देखकर तो एम्पायर से लेकर बांग्लादेश के खिलाड़ी हर किसी की हंसी छूट गई। यहाँ तक कि ड्रेसिंग रूम में बैठे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव से लेकर गौतम गंभीर भी इस मोमेंट पर हंसने लगे। हालांकि दोस्तों हार्दिक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि हाथ से बल्ला छूटने के बावजूद गेंद बाउंड्री के पार चली गई और चौका मिल गया। फिर उसके बाद वहां खड़े फील्डर ने हार्दिक के बल्ले को उठा कर दिया और फिर उसके बाद हार्दिक ने अगली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर मैच को फिनिश कर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी और इस जीत के साथ भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से बढ़त भी बना गई। लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ वो मोमेंट वाली वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और हर किसी को पसंद भी आ रही है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है भारतीय टीम टेस्ट के बाद अब T20 सीरीज भी जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी भारतीय क्रिकेट टीम की जीत से बेहद ही खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। 200 टेस्ट के बाद पहले T20 मैच में भी भारत से बुरी तरीके से हारने के बाद बौखला उठे बांग्लादेशी टीम के कप्तान नजमुल शंतो, लेकिन इस बार तो जाते जाते सूर्य कुमार यादव और पूरे भारत देश पर कुछ ऐसा कह गए कि उनका बयान सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उनके पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी भारत की जीत पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टेस्ट के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम की T20 को जीतने की तैयारी और आगाज दोनों ग्वालियर के मैदान से शुरू हो चुका है। सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया और कुछ इस कदर खेला गया कि भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पहली इनिंग के पहले पावर प्ले से ही नजर आ रही थी। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीत लिया और गेंदबाजी चुनी। मयंक यादव को वो डेब्यू तो करा ही रहे थे, साथ ही साथ अर्शदीप के तूफान ने पहले ओवर में ही बांग्लादेशी टीम की सलामी जोड़ी को तोड़ा जब लिटन दास जैसे महान खिलाड़ी का विकेट 4 रन पर मिल गया। इसके बाद 200 रन भले ही बन रहे थे लेकिन दूसरे छोर से विकेट लगातार गिर रहे थे। देखते ही देखते अर्शदीप परवेश नाम की सलामी जोड़ी के दूसरे बल्लेबाज को भी खा गए। इसके बाद दोस्तों अर्शदीप ने आगे चलकर एक और महत्वपूर्ण विकेट निकाला। उन्होंने मुस्तफिजुर को आउट किया आखिर में, लेकिन बीच में मयंक यादव, वरुण चक्रवर्ती और साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर का कहर एक साथ देखने को मिला, जिसमें वरुण चक्रवर्ती के हाथ 3 विकेट लगे। हार्दिक पांड्या के नाम भी एक विकेट रहा और दोस्तों मयंक यादव जो डेब्यू कर रहे थे वो भी एक विकेट ले गए और सुंदर भी एक विकेट ले गए। हमने पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को 127 पर ऑल आउट कर दिया था और 128 का टारगेट हमें चेस करना था, जिसकी शुरुआत इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ थी कि दोस्तों 175 के स्ट्राइक रेट से केवल और केवल अभिषेक शर्मा 2 चौके 1 छक्का लगा चुके थे, 7 गेंदों में 14 रन बना चुके थे। उधर संजू सैमसन ने भी 3 चौके जड़कर 8 गेंदों में 14 रन बनाए।
इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम की जिम्मेदारी को संभाला। यहां से भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 96 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों ओवर 17 पड़े थे, जिसके बाद बड़े आराम से मौज काटते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ एक विकेट जरूर गिरे, लेकिन हमने इस मैच को जीत कर अपने नाम आखिरकार बड़े अंतर से कर ही लिया। दोस्तों मैच तो हम जीत गए, लेकिन बांग्लादेशी टीम के कप्तान नजमुल शंतो को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है, लेकिन जाते जाते वो क्या कह गए चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों शंतो ने हार के बाद T20 में भी अपने बयान में कहा, उम्मीद नहीं थी कि भारत T20 में भी ऐसा प्रदर्शन करेगा। सूर्य कुमार यादव एक नए कप्तान है और जब से वो भारत के कप्तान बने हैं उनके साथ हम ये अपनी पहली सीरीज खेल रहे थे। जब उन्होंने टॉस जीता हमें किसी बात का स्ट्रेस नहीं था क्योंकि हम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी तरफ से जो कप्तानी हुई, गेंदबाजी का एग्जीक्यूशन हुआ, उसने पूरे गेम में उलटफेर ला कर रख दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि उनके गेंदबाज खास तौर पर अर्शदीप सिंह और चक्रवर्ती की गेंद पर हम चक्कर खा के मैदान में गिरे। अगर हमारा टारगेट थोड़ा भी ज्यादा होता तो हम टक्कर दे सकते थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी में दम था जिसके आगे हमारी तैयारी नाकाम रही। मुझे कहने में शर्म नहीं आ रहा कि हम भारत से हारे हैं, क्योंकि भारत एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाली टीम है और इस हार से हमें बहुत ज्यादा सीख भी मिली है। भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की मुबारकबाद, अगली बार हम ज्यादा तैयारी करके आएंगे। दोस्तों शंतो पहले ऐसे कप्तान हैं जो अपनी हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करके गए। वैसे आप सभी को क्या लगता है इस सीरीज को कौन जीतेगा, भारत या बांग्लादेश, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।